हाय गाइस, सीईटी 3 इयर्स एंड 5 इयर्स लॉ का डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, पोस्टपॉन्ड होगा कि नहीं होगा, या तो सीईटी सर ने जो अभी सर्कुलर रिलीज़ किया है वही डेट को एग्जाम होगा, ये क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट के साइड से। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट दैट पार्ट कि एग्जाम एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो सबसे पहले सीईटी का जो सर्कुलर है वो देख लेते हैं। सो दिस इज व्हाट अ सर्कुलर विच रिलीज बाई द सीईटी सेल। इसमें आपका जो 3 ईयर सीईटी है उसका डेट दे के रखा हुआ है 2nd of May एंड 3rd of May, और जो 5 ईयर्स आपका लॉ सीटी है उसका डेट है 1st of April। तो ये डेट को एग्ज़ाम फॉर श्योर होगा कि डेट एक्सटेंड होगा, बिकॉज टेंटेटिव डेट है ये, तो पोस्टपोन होगा क्या डेट, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन, लास्ट 5 ईयर का एग्ज़ाम का ट्रेंड जो है 2018 से लेके अप टिल 2022 क्या डेट थी एग्ज़ाम्स की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बेस पे वी कैन स्पेकुलेट कि क्या डेट आएगी और पोस्टपोन डेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इट्स दिस इज व्हाट द लास्ट 5 ईयर्स ट्रेंड ऑफ MH Law CET 5 ईयर्स एग्जाम एंड 3 ईयर्स एग्जाम। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था 22nd of April को हुआ था, एंड 3 ईयर्स 17th of June। उसके बाद 2019 का जो एग्ज़ाम था वो 21st of April 5 ईयर्स, और ये था 1st of June, ठीक है। उसके बाद 2020 में 11th अक्टूबर कोविड आ गया था, सो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे, डिले हो गए थे काफ़ी, और ये हुआ था 2nd and 3rd of November को 3 ईयर्स का एग्ज़ाम। 2021 में 8th of October को 5 ईयर्स, एंड 4th, 5th of October को 3 ईयर्स, और अभी जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था 2nd of August को हुआ था 5 ईयर्स का, बट कोई तो स्लॉट में ग्लिचेस थे, बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, तो री एग्ज़ाम 22nd of August को किया था उन्होंने। लाइकवाइज 3 ईयर्स 3rd and 4th of August को था, एंड री एग्ज़ाम जो था कुछ स्लॉट्स को लेकर के 27th of August को था। सो यू कैन सी 3 ईयर्स का एग्ज़ाम कभी भी जून के पहले तो हुआ ही नहीं है, और 5 ईयर्स का एग्ज़ाम जो हुआ है वो अप्रैल मंथ में हुआ है, बट यू कैन सी 20th के बाद हुआ है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा रफली बाई टू वीक्स आई एम कंसिडरिंग, ठीक है। तो अभी इसकी जो डेट आई है 2023 की वो आई है 1st of April की डेट, और 3 ईयर्स की जो डेट आई है वो आई है 2nd and 3rd May। सो यू कैन सी एग्ज़ाम यहाँ पे जून में हो रहा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मई एंड पॉसिबल है 2 वीक से एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा, मतलब आपका एग्ज़ाम मोस्ट लाइकली 28 मई के बाद ही कोई डेट आएगी। तो सो पॉसिबली मई एंड पकड़ के चलो आपका एग्ज़ाम का डेट, और ये आपका अप्रैल एंड, मतलब 28 के बाद, तो इतना एक्सटेंड पॉसिबल है। मतलब पॉसिबल क्या, मतलब सीईटी सेल है तो अटूट विश्वास है अपने को, उनके जो प्रीवियस ईयर्स के डेट हुए हैं उसको देख के वी कैन स्पेकुलेट और बोल सकते हैं भाई सीटी का एक्सटेंशन आता ही आता है हर बार फॉर्म फिलिंग के बाद। पहले तो फॉर्म फिलिंग में एक्सटेंशन आएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट को लेके भी, ठीक है। तो पकड़ लो कि 15-20 दिन का एक्सटेंशन पॉसिबल है, और उन्होंने भी बोला हुआ है कि डेट जो है वो टेंटेटिव है। सो बोर्ड एग्ज़ाम जितने लोग का है 12th बोर्ड वाले, तो भाई आपका बोर्ड एग्ज़ाम मोस्ट लाइकली मिड ऑफ मार्च तक ख़त्म हो जाएगा, तो आराम से 1 महीने का टाइम तो मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, 15 अप्रैल के बाद ही का डेट आना चाहिए, ठीक है। बट डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ मैं, 5 ईयर्स का एग्ज़ाम 1st of April को है, ये माइंडसेट से ही प्रिपरेशन करनी है, नहीं तो बाद में बोलोगे सर आपने तो बोला था एक्सटेंड होगा, हुआ नहीं। तो दोनों चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आपको डेडलाइन लेके चलना है, जो डेट उन्होंने दिया उसी डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा वो बोनस डेज होगा अपने पास प्रिपरेशन को लेकर के। लाइकवाइज 3 ईयर्स का एग्ज़ाम जो डेट दिया हुआ है उन्होंने वो मतलब उसी डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये माइंडसेट रख के ही प्रिपरेशन आपका करो, ठीक है। सो अभी जनवरी चल रहा है, फैब चल रहा है, 12th का बोर्ड भी आने वाला है, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन अभी चालू कर दो। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा 5 ईयर्स कंप्लीट स्ट्रैटेजी, 3 ईयर्स कंप्लीट स्ट्रैटेजी, तो वो भी वीडियो देख लेना। एंड प्रिपरेशन को लेकर के बैचेस वी हैव ऑलरेडी लॉन्च, सो क्लासरूम एंड लाइव बोथ दी बैचेस वी हैव लॉन्च। सो मुंबई बेस अगर आप हो यू कैन विजिट आवर सेंटर दादर बोरीवली एंड वसई, बट अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो लाइव क्लास के लिए जाना है यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है। ये सारे आपके करिकुलम होंगे प्रिपरेशन को लेके। सो फुल फ्लेज में सीईटी की प्रिपरेशन चालू कर दो, टॉप लॉ कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए जीएलसी मुंबई आईएलएस पुणे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। और भी कुछ आपके डाउट एंड क्वेरी जिस पे वीडियो आपको चाहिए वो भी कमेंट में पोस्ट कर दो, डेफिनेटली आई वर्क ऑन द सेम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।